हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर हमें कभी भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस चीज़ को अपने पास में रखते हैं. इस वजह से उसे एक्सेस करने में हमें कम टाइम लगता है, और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हम थोड़ा दूर रखते हैं और समटाइम्स ही यूज़ करते हैं, तो उसे एक्सेस करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो दूर है. तो यही कंसेप्ट कंप्यूटर्स में भी यूज़ होता है. सो सीपीयूज़ ऐसे डेटा जिसे वो बार बार एक्सेस करना चाहेगी, जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा है, उसे अगर वो एक ऐसी मेमोरी में रखे जो कि हाई स्पीड है, तो उसे एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बजाय मेन मेमोरी में रखने के जो कि स्लोअर होती है. ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी की स्पीड में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी से डेटा लाने में टाइम वेस्ट हो जाता है. तो इसकी बजाय हम इन दोनों के बीच में अगर एक ऐसी हाई स्पीड मेमोरी रख दें ताकि सीपीयू सबसे पहले कैश में डेटा एक्सेस करे, और अगर उसे यहां मिल जाता है सो वो उसे एग्जीक्यूट करे, अगर नहीं मिलता है देन ओनली वो मेन मेमोरी में जाए और वहां से उसे एक्सेस करके उसकी एक कॉपी यहां पे भी क्रिएट कर दे. सो कैश मेमोरी जनरली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रॉपर्टी की वजह से आया है, बिकॉज प्रोग्राम्स की एक टेंडेंसी होती है कि प्रोग्राम का अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये चांसेस है कि उसके नियर बाय इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होंगे. सो ऐसे प्रोग्राम और उसके साथ के जो इंस्ट्रक्शंस है अगर हम कैश में रख दें सो इससे सीपीयू डायरेक्टली उसे एक्सेस करेगा वहीं से, बजाय मेन मेमोरी में जाने के. ऐसे ही कुछ रिपीटेडली एक्सेस होने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि लूप. लूप अगर हम एक बार चला रहे हैं तो वो जब तक उसे हमने दिया है, सपोज 10 तक चलने के लिए बोला है लूप को, तो वो 10 तक जाएगा और वही उसके इंस्ट्रक्शंस 10 टाइम्स रिपीट होंगे, एग्जीक्यूट होंगे. तो उसे हम कैश में रख लेंगे ताकि बार बार सीपीयू को मेन मेमोरी तक जाने की नीड नहीं हो. सो कैश मेमोरी कैसी मेमोरी है? ये बहुत ही स्मॉल साइज मेमोरी है कंपेयर करेंगे अगर मेन मेमोरी से, एंड इट इज फास्टर देन द मेन मेमोरी. इसकी लोकेशन कहाँ होती है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इसे हम प्लेस करते हैं. ये भी मेन मेमोरी के जैसे एक वोलेटाइल मेमोरी ही है, जो पावर ऑफ होने के बाद जो भी डेटा होता है इसमें टेम्परली स्टोर्ड वो रिमूव हो जाता है. सो अब कैश में होता क्या है? कैश में मोस्टली फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा होते हैं, जो सीपीयू को बार बार रिपीटेड फॉर्म में एक्सेस करना है वो उसे कैश में रखेगा, ताकि हर बार मेन मेमोरी में जाने के बजाय वो डायरेक्टली कैश से ही उसे ले ले और टाइम कम लगे. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्मॉल साइज्ड फास्ट मेमोरी. वेयर इट इज़ प्लेस? इट इज़ प्लेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू. हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी. नाउ ये लोकेटेड कहाँ रहती है एक्चुअल में? सो एक्चुअल में ये सीपीयू के साथ ही चिप में ही लोकेटेड रहती है, इनसाइड द चिप. और दूसरा एक केस होता है मदरबोर्ड में, जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में आने लगा है. अगर कैश के भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल 1, लेवल 2 जनरली सीपीयू में रहता है और लेवल 3 जनरली मदरबोर्ड में रहता है. सो लेवल 1, लेवल 2, L1, L2 को हम इंटरनल कैश भी कहते हैं, और ये सीपीयू चिप में रहता है. और L3 कैश, जिसे हम एक्सटर्नल कैश कहते हैं, ये जनरली मदरबोर्ड में रहता है. तो ये हर कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता. आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हो गए या पैरेलल कंप्यूटर्स हो गए, ये सब में हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो इस वजह से ये सीपीयू है. सो सीपीयू सबसे पहले L1 कैश में एक्सेस करता है, देन वो L2 कैश में एक्सेस करता है, देन होता है L3 कैश, और इसके बाद आती है हमारी मेन मेमोरी. ठीक है, नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ कैश. सीपीयू इनिशियली अगर किसी वर्ड को एक्सेस करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो कहाँ लुक करेगा? सबसे पहले कहाँ देखेगा? कैश में देखेगा. अगर कैश में उसे डेटा मिल जाता है देन वो कैश से एक्सेस कर लेगा. ठीक है, इनकेस अगर सीपीयू को कैश में डेटा नहीं मिलता है देन वो कहाँ जाएगा? सीपीयू जाएगा मेन मेमोरी के पास. ओके, किस केस में? अगर उसे यहाँ डेटा नहीं मिलता है देन वो जाता है मेन मेमोरी में. अब मेन मेमोरी से वो डेटा एक्सेस करता है और उसकी एक कॉपी कहाँ सेंड कर देता है? कैश मेमोरी में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसे ये सेम डेटा को एक्सेस करना हो तो सीपीयू डायरेक्टली कहाँ से एक्सेस कर लेगा? कैश मेमोरी से. ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है ये ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है. सो डेटा ट्रांसफर्स इन ब्लॉक्स.
सीपीयू एंड कैश मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है. सो डेटा ट्रांसफर इन वर्ड्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कैश परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करते हैं? तो कैश परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हिट रेशियो. ठीक है, हिट रेशियो समझने से पहले हमें दो चीज़ें क्लियर करनी होगी कि व्हाट इज कैश हिट एंड व्हाट इज कैश मिस. सपोज सीपीयू किसी वर्ड को एक्सेस करना चाह रहा है कैश में. ओके, तो सीपीयू सपोज किसी वर्ड को एक्सेस करना चाह रहा है कैश में, अगर वो डेटा उसे कैश में मिल जाता है उसे कहते हैं कैश हिट, और अगर वो डेटा कैश में नहीं मिलता है इट मींस उसे कहते हैं कैश मिस. और इस केस में सीपीयू को कहाँ जाके डेटा एक्सेस करना पड़ेगा? मेन मेमोरी में जाके डेटा एक्सेस करना पड़ेगा. सो वी कैन से इफ द रिक्वायर्ड वर्ड इज फाउंड इन कैश इज कॉल्ड कैश हिट, एंड इफ द रिक्वायर्ड वर्ड इज नॉट फाउंड इन कैश इज कॉल्ड कैश मिस. नाउ अब हिट रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है? हिट रेशियो हम कैसे देंगे? हिट रेशियो देने के लिए द हिट रेशियो इज एक्चुअली रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हिट्स प्लस मिस. ठीक है, इसे हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं. इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड इन हिट रेशियो इज अ नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीपीयू, टोटल नंबर ऑफ सीपीयू रेफरेंसेस. ठीक है, सिमिलरली हम मिस रेशियो भी डिफाइन कर सकते हैं. मिस रेशियो क्या होता है? अगर हमने कैश में डेटा एक्सेस किया और डेटा वहां नहीं मिलता है तो इट मींस मिस अकर हुआ, उस केस में मिस रेशियो निकालना पड़ता है. और सीपीयू को डेटा कहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा? मेन मेमोरी से जाके एक्सेस करना पड़ेगा. ठीक है, सो मिस रेशियो निकालने के लिए नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाई टोटल हिट्स प्लस मिस. ठीक है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सीपीयू रेफरेंसेस. टोटल नंबर ऑफ सीपीयू रेफरेंसेस मतलब हिट कितने हो रहे हैं और मिस कितने हो रहे हैं. ठीक है, कैश में डेटा एक्सेस हो रहा है उसे हिट कहते हैं, नहीं होने पे मिस कहते हैं. दोनों ही केसेस में कैश में तो सीपीयू सर्च कर ही रहा है, इसलिए दोनों का टोटल मींस हिट प्लस मिस को हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सीपीयू रेफरेंसेस. अब इसके साथ साथ एक और टर्म आता है, कैश एक्सेस टाइम. अगर कैश हिट होता है उस केस में क्या होता है? कैश को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड कैश एक्सेस टाइम. ठीक है, इसे हम कैश हिट टाइम भी बोल सकते हैं. नाउ कैश हिट टाइम क्या होता है? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वर्ड फ्रॉम द कैश. सो टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वर्ड फ्रॉम द कैश. एंड दूसरा एक टर्म आता है मिस पेनल्टी. मिस पेनल्टी कब लगती है? अगर कैश मिस हुआ, मींस अगर सीपीयू कैश में डेटा एक्सेस करता है और उसे वहां नहीं मिलता है तो अब सीपीयू को कहाँ जाना पड़ेगा? मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी से डेटा को फेच करना पड़ेगा और वहां से एक ब्लॉक ट्रांसफर करना पड़ेगा कैश मेमोरी में. इसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है, डिले हो जाता है. तो इसे हम कहते हैं मिस पेनल्टी. अगर कैश में डेटा नहीं मिला तो उसे वापस मेन मेमोरी तक जाने में जो टाइम लगता है वो एक्स्ट्रा टाइम, उसे कहते हैं मिस पेनल्टी. कैश में मिस होने की पेनल्टी लगती है तो इसे हम कहते हैं मिस पेनल्टी. मिस पेनल्टी को दूसरे वर्ड्स में कैश मिस टाइम पेनल्टी भी कहते हैं. इन शॉर्ट मिस पेनल्टी. नाउ मिस पेनल्टी क्या हुआ? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू फेच द रिक्वायर्ड ब्लॉक जहां पे वो वर्ड स्टोर है जिसे कैश में हम एक्सेस कर रहे थे. ओके,
बिकॉज ब्लॉक्स में ट्रांसफर होता है, इसलिए ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कैश परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हिट रेशियो. नाउ दूसरा एक पूछता है सीपीयू का एवरेज एक्सेस टाइम कैसे निकालते हैं. सो एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ सीपीयू, इसके लिए भी एक फॉर्मूला हम यही डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज न्यूमेरिकल्स में पूछता है. इट इज डिफाइंड एज अ हिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय कैश एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस हिट रेशियो विच इज नथिंग बट अ मिस रेशियो. सो 1 माइनस मिस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मिस पेनल्टी. ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है बिकॉज न्यूमेरिकल्स बनाने में ये हेल्प करेगा. सो हम हिट रेशियो को जनरली अगर h बोलते हैं तो हमारा मिस रेशियो क्या हुआ, 1 माइनस h. ठीक है, हिट रेशियो को जनरली हम लिखते हैं h, तो h मल्टीप्लाइड बाई इसे हम कहेंगे टी सी प्लस 1 माइनस h, ये जो दिख रहा है, और tm हम इसे मेमोरी एक्सेस टाइम कह रहे हैं बट एक्चुअली में ये क्या है, मिस पेनल्टी. मिस पेनल्टी कैसे निकलती है, मिस पेनल्टी निकालने के लिए हमें बिकॉज सीपीयू को पहले कैश में जाना पड़ रहा है और कैश में मिस होने पे उसे मेन मेमोरी में जाना पड़ रहा है, तो यहां से यहां का टाइम और यहां से यहां का टाइम दोनों टाइम लगेगा, तो इसलिए मिस पेनल्टी में हम जो टाइम लिखते हैं दैट इज कैश एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, ये दोनों को सम करके निकलता है मिस पेनल्टी और इसे कहते हैं मिस रेशियो. एक न्यूमेरिकल से कैश मेमोरी को और क्लियर करते हैं. सपोज इस क्वेश्चन में गिवन है एक्सेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी इज 100 नैनो सेकेंड एंड मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है 1000 नैनो सेकेंड. इट इज एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ द मेमोरी रिक्वेस्ट रीड के लिए है और 20% मेमोरी रिक्वेस्ट राइट करने के लिए है. हिट रेशियो यहाँ रीड एक्सेस का गिवन है 0.9, मीन्स रीड करने पे हिट रेशियो क्या है 0.9. राइट थ्रू प्रोसीजर यहाँ यूज हो रहा है. राइट थ्रू प्रोसीजर मीन्स दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, राइट थ्रू एंड राइट बैक. राइट थ्रू में अगर कैश में कुछ अपडेट होता है तो वो इमीडिएटली मेन मेमोरी में भी अपडेट हो जाता है, और राइट बैक कैश में अगर मेन मेमोरी में अपडेट करना रहता है कैश को तो वो इमीडिएटली नहीं करता है, जब भी कैश में से कुछ डेटा रिमूव होने वाला रहता है तभी वापस मेन मेमोरी में राइट होता है. सो राइट थ्रू प्रोसीजर यूज हो रहा है मीन्स इमीडिएटली मेन मेमोरी में अपडेट हो जाएगा. नाउ व्हाट इज फर्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम रीड साइकिल में, दूसरा एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम फॉर बोथ रीड एंड राइट साइकिल, थर्ड है हिट रेशियो क्या है टेकिंग द राइट साइकिल्स ऑल्सो. इसके लिए हमें पता है फॉर्मूला एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ सीपीयू क्या होता है. इट इज एक्चुअली हिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाई कैश एक्सेस टाइम, ठीक है, एंड मिस रेशियो जिसे हम 1 माइनस हिट रेशियो भी कहते हैं मल्टीप्लाइड बाई मिस पेनल्टी, और वी कैन से मेमोरी एक्सेस टाइम. कैश में जब डेटा नहीं मिलता है देन सीपीयू को मेन मेमोरी में जाना पड़ता है, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उसे हम कहते हैं मिस पेनल्टी. कैश में मिस होने का उसे पेनल्टी देना पड़ता है, दैट्स वाई मिस पेनल्टी कैसे निकालते हैं, कैश मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम को जोड़ के हम मिस पेनल्टी निकालते हैं. एंड 1 माइनस हिट रेशियो इज अ मिस रेशियो, ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में भी इंडिकेट करते हैं एच इंटू टी सी. एच इज अ हिट रेशियो, टी सी इज अ कैश एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस एच. 1 माइनस एच मीन्स मिस रेशियो एंड टी एम इज दोनों का जोड़ के जो मिस पेनल्टी निकला है. कुछ लोग इसे मेमोरी एक्सेस टाइम भी कहते हैं बट एक्चुअली में सिर्फ मेमोरी का नहीं है, ये कैश मिस होने के बाद मेमोरी में जाता है, तो कैश मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम और ये मिस रेशियो. तो मिस पेनल्टी क्या है, इट इज एक्स्ट्रा टाइम नीडेड टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, मीन्स ब्रिंगिंग द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश. नाउ फर्स्ट व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम कंसीडरिंग द मेमोरी रीड साइकिल्स. सो सबसे पहले टोटल रीड एक्सेस टाइम हमें निकालना है. रीड एक्सेस टाइम निकालने के लिए जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था उसे आप यूज करिएगा. सो ये क्या है, दिस इज एच इंटू
कैश एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस हिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मिस पेनल्टी. मिस पेनल्टी क्या है? TM. इट इज़ नथिंग बट कैश मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम. सो H गिवन है 0.9, कैश एक्सेस टाइम गिवन है 100 नैनो सेकेंड्स प्लस 1 माइनस H हिट रेशियो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय ये कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम. दोनों को आप जोड़ेंगे तब आपका मिस पेनल्टी निकलेगा. नाउ इसे सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 200 नैनो सेकेंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें राइट एक्सेस टाइम की भी नीड होगी, तो हम पूछा नहीं है बट साथ ही साथ निकाल लेंगे टोटल राइट एक्सेस टाइम कितना है. इसे निकालने के लिए राइट करने के लिए उसे मेमोरी में जाना ही पड़ेगा. तो ऑब्वियसली कैश और मेन मेमोरी में से जिसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा उसको ही हम निकालेंगे राइट एक्सेस टाइम. तो मेन मेमोरी को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम मैक्सिमम ऑफ कैश मेमोरी एक्सेस टाइम एंड मेन मेमोरी एक्सेस टाइम निकालेंगे. तो हमें क्या मिलेगा? 1000, जो कि राइट करने के लिए मेन मेमोरी तक जाना है क्योंकि राइट थ्रू कैश है. सो इट इज रिटन बिकॉज इट इज राइट थ्रू कैश लार्जेस्ट ऑफ द कैश मेमोरी एंड मेमोरी एक्सेस टाइम इज कंसीडर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम फॉर बोथ रीड एंड राइट साइकिल्स. तो दोनों के लिए निकालना है एक्सेस टाइम, एवरेज एक्सेस टाइम फॉर बोथ रीड एंड राइट साइकिल्स. सो गिवन है कि 80% रीड रिक्वेस्ट में टाइम जा रहा है प्लस 20% राइट रिक्वेस्ट में टाइम जा रहा है. सो 80% इंटू रीड रिक्वेस्ट. रीड रिक्वेस्ट अभी हमने निकाली थी 200 नैनो सेकेंड और राइट रिक्वेस्ट कितनी है 1000 नैनो सेकेंड्स. तो 80% टाइम जा रहा है मीन्स 0.8 इंटू 200 कर लेंगे प्लस 20% जा रहा है मीन्स 0.2 इंटू 1000. दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 360 नैनो सेकेंड्स. नाउ सी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द हिट रेशियो टेकिंग इंटू कंसिडरेशन द राइट साइकिल्स. नाउ सो हिट रेशियो जब भी निकालना रहता है राइट साइकिल्स का, बिकॉज कहते राइट करने के लिए मेन मेमोरी में ही जाना है, तो वहां राइट साइकिल्स में हिट रेशियो तो नहीं निकल पाएगा. इसलिए हिट रेशियो ऑफ राइट साइकिल्स हम हमेशा जीरो एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमने निकाला है 80% रीड रिक्वेस्ट है, तो 80% रीड रिक्वेस्ट का हिट रेशियो कितना 0.9. दिस विल बी एडेड विद द राइट रिक्वेस्ट का 20% है, इसलिए 0.2 मल्टीप्लाइड बाई, बट यहाँ पे हिट रेशियो क्योंकि उसका जीरो आएगा इसलिए अब सब कैलकुलेट करके यहां कंप्लीट जीरो हो गया और 0.72. सो दिस इज हाउ इट इज सॉल्व. थैंक यू.